हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं नजर आ रही। सारा जो इस वक्त खाकान अबासी की जो गवर्नमेंट बनी है जब से, उसका सिर्फ एक मकसद नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ की करप्शन को बचाने का। जो पूरा जोर लगाए गवर्नमेंट एक कानून इस तरह पास करने का कि एक नाहेल करप्ट आदमी जिसने 300 अरब रुपए इस मुल्क का चोरी करके बाहर लेके गया है और अपने फैमिली बच्चों के नाम पे रखा है, बजाय उसको सारी कौम मिल के उसे कहे कि आप जवाब दें और आप अदालतों के सामने, आप 1.25 साल आपको दिया गया अपनी सफाई पेश करने के लिए, तो 1.25 साल के बाद एक ही चीज़ निकली कि जी ये कतरी खत है बस 300 अरब रुपए की जस्टिफिकेशन के पैसा बाहर कैसे गया और ये जो सारे इन्होंने फ्लैट खरीदे, जो अल तौफीक के अरबों रुपए के कर्जे दिए, जो बच्चों की अरबों रुपए की बिजनेस है, उस सारे के पीछे एक कतरी खत है। तो बजाय ये नून लीग अपने आप को उससे दूर करती और उससे कहती कि आप जवाब दें, जिस तरह कि आइसलैंड प्राइम मिनिस्टर को उसकी पार्टी ने नहीं बचाने की कोशिश की, जब डेविड कैमरॉन का नाम आया बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर का, उसकी पार्टी ने नहीं बचाने की कोशिश की, ये सारी गवर्नमेंट की कोशिश रहेगी उसको बचाने की। और असेंबली में पूरा जोर लगा रहे हैं, डेवलपमेंट फंड 94 अरब के अपने लॉलीपॉप दे रहे हैं ताकि वो आके हाथ खड़ा करके एक मुजरिम को प्राइम मिनिस्टर, एक पार्टी का हेड बनाने के लिए कानून पास कर दें। और ये धरना 20 दिन से बैठा हुआ था, किसी ने फिक्र नहीं की। पहले तो किसी, जिस तरह ये अमेंडमेंट की गई, मैं टीवी पर देख रहा हूँ कि जी वो सारी पार्टीज ने की है, सारी पार्टीज इसमें मुशावरत हुई है। इतना बड़ा ये झूठ है कि इससे सबसे पहले तो ये देख लें कि इनकी अपनी पार्टी में कोई खड़ा नहीं हो रहा था इस अमेंडमेंट के साथ। शहबाज शरीफ जो नंबर 2 है पार्टी का, वो कह रहा है कि जनाब ये सजा दी जाए जिसने की है, तो बाकी पार्टीज को क्या पता चलना था। और अगर बाकी पार्टीज ने कहीं, अगर इन्होंने कोई भी कमेटी के अंदर भी मुशावरत हुई, तो उसके मिनट्स हैं, रिकॉर्डिंग दिखा दें। 2 दफा लॉ मिनिस्टर ने असेंबली में कहा कि कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, असेंबली में कह रहे कि कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। और जब फिर ये सारा कुछ, जब एकदम चीज फटी, तो कोई उसको डिफेंड करने वाला नहीं था, सारे नून लीग वाले छुप गए। जो मोटू गैंग वहां खड़ी होती थी, बड़े बड़े ये नशे फाड़ फाड़ के बोल रहे होते थे वहां सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वो सारे बिलों के अंदर जाके छुप गए और सारा एक मुल्क में वैक्यूम आ गई। प्राइम मिनिस्टर जब वो सारा कुछ इंतजार हो रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर बजाय मुल्क को लीडरशिप दे, वो जाके रायवन में कदमे में बैठ गया एक करप्ट नाहिल प्राइम मिनिस्टर के। और फिर ये जो एहसन इकबाल की परफॉर्मेंस है, ऐसी मैंने, और मैं इसका क्या कहूँ कि जो एक्सपोज होना था, जो के अंदर से ये था, ये जो हमें पहले से पता था, वो एक्सपोज हो गया। कभी कोई स्टेटमेंट दे, कभी बड़के मारे, फिर आखिर में फौज। अगर फौज ना आती, मैं ये अब आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि बड़ी गलत चीज़ें आईं। मुझे अफसोस हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जिस तरह की बातें की। देखिए, हम, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी और माशाल्लाह जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जिस तरह का प्रेशर हमारे पर पड़ना शुरू हुआ, जब वहाँ फैज़ाबाद के, जब फैज़ाबाद में एक्शन लिया गया और जब लोगों का एक रिएक्शन आया सारे पाकिस्तान में, सारी जगह से हमारी पार्टी के कारकुनों से हमें प्रेशर शुरू हो गया कि वो भी जाना चाहते थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि जनाब ये कोई पॉलिटिकल चीज़ है, वो अपने अकीदे के ऊपर, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारे कौम खड़ी थी इस, ये ख़त्म नबूवत 1954 में पहले एक इस मुल्क में, जिसको भी तारीख का पता है कि एक पूरा रिएक्शन आया, फिर 1974 में रिएक्शन आया यही ख़त्म नबूवत का। और जब इनको पता था और चुप करके इन्होंने कोशिश की लाने की, उसका जब रिएक्शन आया, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर
ये फौज ना ये समझौता करवाती, इस मुल्क पे इतना बड़ा इंतशार आ रहा था, हम सबको खौफ आया हुआ था। मैंने दो नफल पढ़े सुबह उठ के जब पता चला कि ये मसला हल हो गया। ये बड़ा सीरियस मसला फैलने लगा था, ये ऊपर से लेके नीचे तक ये अक्रॉस द बोर्ड ये इंतशार होना था। और वैसे भी अब ये सवाल अब जो आएगा, और इंशाल्लाह अब सवाल आएगा क्योंकि समझौते में ये है कि कौन जिम्मेदार था इसका, किसने ये कानून चेंज करने की कोशिश की, क्या ये जायद हामिद ने अपने तौर पे की, क्या ये और किसी ने चुप करके ऐड कर दिया किसी को पता ही नहीं चला, या ये एक इंटरनेशनल लॉबी को खुश करने के लिए जिस तरह डॉन लीक्स इंडियन लॉबी के लिए वो सारा किया गया था ड्रामा। अब ये भी सारों को ये खदशा बढ़ता जा रहा है कि ये एक लॉबी को अपने साथ मिलाने के लिए सारी कोशिश की गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना देर ये लगाते जा रहे हैं ये खदशा बढ़ता जा रहा है लोगों को और ज़्यादा है कि कोई साजिश हुई है। भी सीधी सी बात है कि अगर कोई ये बता दे कि जनाब हमने अमेंडमेंट की, जो भी वजूहत है, घंटे लग जाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो तीन दिन लग जाने चाहिए, ये एक महीना और ले रहे हैं, कौन सी चीज़ इसमें पता चलवानी थी, ये कौन सी कोई इन्वेस्टिगेशन होनी है किसी चीज़ की, बताएं किसने, कौन इसके पीछे था। तो ये अब सामने जितनी जल्दी सामने आ जाए मेरे ख्याल में ये आगे ये इशू उतने आराम से सेटल होगा जो भी लोग जिम्मेदार हैं। मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो ये कि देखें, जब हम ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट बिल्कुल इस वक्त मफलूज हुई हुई है और सिर्फ एक जमहूरी तरीका है इस सारे क्राइसिस से निकलने का, वो है अर्ली इलेक्शंस। और हम अर्ली इलेक्शन कुछ सालों की बात नहीं कर रहे, चंद महीने फ़र्क पड़ेगा अर्ली इलेक्शंस का। कब बड़ी बात हो रही है जी सेनेट में, कोई सेनेट के मार्च में इलेक्शन है उसकी इंतज़ार की जाए, चार पाँच छः सीटें मिल जाएंगी नून लीग को सेनेट की। ये कौन सा इतना बड़ा हो गया कि आप अगर अर्ली इलेक्शन करवा देंगे तो कौन सी जमहूरियत को नुकसान पहुँचेगा? जमहूरियत को आज नुकसान पहुँच रहा है। लोगों की नज़र में ये जमहूरियत जितनी फेल होती जाएगी, लोग दुआएं करेंगे कि इस मुल्क में कोई किसी किस्म का और एक्शन हो कि इनसे जान छुटे। इसलिए डेमोक्रेसी के अंदर देख ले, जो कि मदर ऑफ वेस्टमिंस्टर जो हम फॉलो कर रहे हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, आप उनका देख लें। अभी टेरेसा मे ने अर्ली इलेक्शंस करवाए हैं, उससे पहले डेविड कैमरॉन ने अर्ली इलेक्शंस करवाए हैं। या मुसलमान मुल्क में देख लें, तुर्की में अर्दोगान, उसने जब हेड स्काफ का इशू आया उसने अर्ली इलेक्शंस करवा दिए। ये तो एक जमहूरी अमल का हिस्सा है, ये तो जमहूरियत को मजबूत करती है। जो जमहूरियत को कमज़ोर कर रही है वो जो ये इस वक्त इस नाहल गवर्नमेंट की, जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि करप्ट प्राइम मिनिस्टर को नाहल प्राइम मिनिस्टर की करप्शन बचाना, सारी गवर्नमेंट की तवज्जो उधर है। 40-40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, वो आदमी जिसने 300 अरब रुपया चोरी किया इस कौम का, यानी ये लोगों को क्या बता रहे हैं कि ये जमहूरियत ये होती है? ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक दफ़ा इलेक्शन जीत के आ जाए वो मुल्क लूटे, उसको अगर हाथ लगाओगे तो जमहूरियत खतरे में आ जाएगी, इनकी करप्शन पकड़ोगे तो जमहूरियत खतरे में आ जाएगी। जो मुझे आज मैंने दूसरा पॉइंट कहना था वो ये कि इन्होंने कहा जी इकामा, देखिए जी मुझे इकामे पर निकाल दिया। इकामा एक तरीका था मनी लॉन्ड्रिंग का, कंपनी बनाई FZE, उसके ज़रिए इन्होंने पैसा बाहर भेज रहे थे, वो आगे बाकी कंपनीज जो बच्चों के नाम पे कंपनीज थी उधर आगे पैसा जा रहा था। अब ख्वाजा आसिफ की कंपनी निकलाई है, ख्वाजा आसिफ का एक कॉन्ट्रैक्ट था एक कंपनी के साथ दुबई में, उधर इकामा जो था। अब ये ज़रा देखेंगे, सोचें कि ख्वाजा आसिफ इस मुल्क का वाटर एंड पावर का मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, दो सबसे अहम मिनिस्ट्रियां, और वाटर एंड पावर वो मिनिस्ट्री है जिसमें अरबों रुपए का बजट है। ये वाटर एंड पावर वो मिनिस्ट्री है जिसने आते साथ ही 480 अरब रुपया इन्होंने सर्कुलर डेट का दिया, जो 5 साल में पीपल्स पार्टी ने इकट्ठी की थी सर्कुलर डेट,
इन्होंने 480 अरब रुपया दिया सर्कुलर डेट में, आज वो सर्कुलर डेट 500 अरब पे पहुंच गई है। इन्होंने जब वो सर्कुलर डेट दी थी तो इन्होंने कहा आगे से ख़त्म हो जाएगी सर्कुलर डेट। बिजली की कीमत इन्होंने तकरीबन दुगनी कर दी 2013 के बाद, तकरीबन दुगनी बिजली की कीमत। जो तेल की कीमत है वो 40% पर नीचे आ गई जो उस दौर में, पिछले दौर में थी, उसके बावजूद 500 अरब रुपए की सर्कुलर डेट है। और इसका कौन मिनिस्टर था? ख्वाजा आसिफ। अब ख्वाजा आसिफ की परफॉर्मेंस आप देख लें कि ये हमारे पास एक काम है इनका दुबई का, इस इकामे के मुताबिक 17 लाख रुपया इसको महीने की तनख्वाह मिल रही थी। यहाँ के दो वजारतें हाथ में, डिफेंस मिनिस्ट्री और वाटर एंड पावर, और 17 लाख रुपए की दुबई से तनख्वाह मिल रही थी महीने की। और ये कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इनको 8 घंटे दिन में काम करना पड़ना था, 5 दिन हफ्ते में। पाकिस्तान के मिनिस्टर को 5 दिन काम करना था, 8 घंटे दिन के, ये कॉन्ट्रैक्ट है उसका। और क्या काम करना था? 17 लाख रुपए किस चीज के मिल रहे थे? लीगल एडवाइस देने के। वो आदमी जो एक बैंक में मैनेजर, बैंक में कोई काम करता था, क्लर्क बैंक से शुरू हुआ है, वो अब हरफन मौला मल गया, लीगल एडवाइस दे रहा है वो उस कंपनी को। और इसके साथ साथ हम आपके सामने 2 बैंक अकाउंट मिले हैं ख्वाजा आसिफ के, एक डिक्लेयर्ड ही नहीं है, और एक बैंक अकाउंट के जरिए लाखों दिरहम जा रहे हैं बीवी के अकाउंट में। ये वही हो रहा है जो कि नवाज शरीफ ने जब कहा ना कि आपने इसके, वो जब इससे कौम से खिताब किया तो नवाज शरीफ कभी कभी सच भी बोल देता है, उसमें एक सच उसने कहा कि जब कोई करप्शन करता है तो अपने नाम पे नहीं रखता, उसने सारा बच्चों के नाम पे रखा हुआ नवाज शरीफ ने। बाहर इधर भी लाखों दिरहम जा रहा है बीवी के अकाउंट पे। जनाब बताएं कौन सी बिजनेस है आपकी बाहर, कौन सी बिजनेस है जो लाखों दिरहम जा रहे हैं आपके बाहर बीवी के अकाउंट में? ये है मनी लॉन्ड्रिंग इसको कहते हैं। इन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीका निकाला मनी लॉन्ड्रिंग का। बाहर कंपनी दुबई का इकामा लिया, वहां कंपनी खोली, यहां से पैसा उधर भिजवाया, चोरी करके कमीशन डायरेक्टली उधर आई, उधर से आगे निकल गई। और वहां चीजें लेनी है तो अपने फैमिली के नाम पर ले लो। ये है इस मुल्क का अलमिया, इस मुल्क की क्यादत सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है। $10 अरब मनी लॉन्ड्रिंग हर साल पाकिस्तान से होती है, 1000 अरब रुपया। तो ये कैसे रोकेंगे जब ये खुद लगे हुए मनी लॉन्ड्रिंग पे? प्राइम मिनिस्टर भी लगा हुआ था, ये भी लगा हुआ है। और मैं आज नैब को कहना चाहता हूं कि ये जो एहसन इकबाल नून लीग का अरिस्तो, इसका भी जरा चेक करें, इसका भी काम है सऊदी का, इसका भी पता चलेगा कौन सी कंपनीज है। ये इस गरीब कौम को लूट रहे हैं, ये हैं वो लोग। ये क्यों पाकिस्तान नीचे जा रहा है? इनके आने से पहले पाकिस्तान का टोटल कर्जा 13,000 अरब रुपया था। 2008 में पाकिस्तान का टोटल, 60 साल में जो टोटल कर्जा पाकिस्तान का था वो 7,000 अरब रुपया था। आसिफ जरदारी ने उसे पहुंचा दिया 13,000 अरब पे, और इन्होंने आज 25,000 अरब पे कर्जा पहुंचा दिया। ये किधर जा रहा है पैसा? ये जो कर्जे पे कर्जे चढ़ रही है, जा किधर है? ये इधर जा रहा है, ये इनकी करप्शन में जा रहा है पैसा। कौम मकरूज होती जा रही है, और इसलिए ये सारी कौम अब इंतजार कर रही है नैब के अंदर प्रोसीडिंग्स क्या हो रही हैं। सारी कौम अब अपनी अदालतों से एक्सपेक्ट कर रही है। मैंने सुना इनके बयान शरीफ खानदान के, जी इमरान खान का भी, मरियम बीबी का बयान आया कि जी इमरान खान का भी वही केस है जो नवाज शरीफ का है, इमरान खान का भी वही केस है जो नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ ने जवाब देना है 30,000 करोड़ रुपया जो इस मुल्क से बाहर लेके गया बच्चों के नाम पे। इमरान खान ने जवाब दिया किसका? 33 साल पहले जो एक क्रिकेटर होते हुए 60 लाख का फ्लैट लिया था, उसके ऊपर 60 डॉक्यूमेंट्स दिए मैंने सुप्रीम कोर्ट को। यानी मैं क्रिकेटर था ना, मैं तो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, 60 डॉक्यूमेंट्स दिए मैंने
आज सुप्रीम कोर्ट को उनमें से एक भी गलत हुई, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उन्हें मुझे निकालने की जरूरत पड़ेगी, नहीं यार मैं भी नहीं कहूँगा क्यों निकाला, मैं खुद ही छोड़ दूंगा। लेकिन इन्होंने 30,000 करोड़ रुपया जो इस मुल्क से बाहर भेजा है प्राइम मिनिस्टर होते हुए, एक डॉक्यूमेंट दिया है कतरी का खत, एक डॉक्यूमेंट, बाकी जो अंदर अदालतों में झूठ बोले हैं, वो जो एक ट्रस्ट डीड है मरियम की और हुसैन की जिसमें वो क्लिबरी फॉन्ट, वो आपने पता चल ही गया होगा कि स्याही निकलती है 2007 में और 2006 में साइन हो जाते हैं, हाँ और कतरी आया हुआ है। मैं तो ये कहूँगा कि ये बड़ा, सुप्रीम कोर्ट पे भी कतरी नहीं आया, नैब के सामने भी नहीं आया, लेकिन वो जो डील की है पोर्ट कासिम की डील है वहाँ फौरी तौर पर पहुँच गया ये सो मैं ये चाहूँगा कि अब हमारे जो इंसाफ के इदारे हैं सारी कौम अब आपकी तरफ इंतज़ार कर रही है। और मैं फिर से कहूँगा कि अर्ली इलेक्शंस इस मुल्क की ज़रूरत है, पीटीआई की ज़रूरत नहीं है। हमें ये जितनी देर ये बैठे हुए हैं और जो ये कर रहे हैं कौम के साथ, हमें तो वैसे ही फ़ायदा हो रहा है, जितनी देर ये रहते हैं हमारी पार्टी तो और मजबूत हो रही है, लेकिन कौम के लिए ये बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं, मुल्क के ऊपर मकरूज करते जा रहे हैं। गवर्नेंस नाम आपने देख ही लिया कि गवर्नेंस क्या है, इसलिए अर्ली इलेक्शंस मुल्क की ज़रूरत है। और मैं आखिरी चीज़ ये कहूँगा कि आज ये हम सारे आपको पेपर्स दे देंगे ख्वाजा आसिफ के, ये कोर्ट में जमा हो गए हैं। आखिर में आज नवाज शरीफ की, मैं आज एक उनकी सीडी चल रही है, बड़े हमनवाज सामने खड़े हुए हैं ऐसे करके, और जनाब मुगले आजम साहब क्या कहते हैं कि अगर मेरी खर्चे ज्यादा हैं आमदनी से तो किसी का क्या है, अगर मेरे खर्चे आमदनी से ज्यादा हैं, ये 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुका कह रहा है कि लोगों को क्या है। जनाब मियां साहब आपको ये नहीं पता कि जब आप पब्लिक अकाउंट होल्डर होते हैं और अगर आपके खर्चे या असासे आपकी ज़रिया माश या सोर्स ऑफ इनकम से ज़्यादा हैं, आप पे जिम्मेदार होती है, आपको जवाब देना पड़ता है। ये मुगले आजम नहीं कि जनाब आपको क्या है, आपको बहुत कुछ है क्योंकि ये पैसा है इस कौम का, आपने करप्शन से पैसा बनाया है और 30 साल से आप बच रहे हैं, 30 साल से ये सारे पाकिस्तान के इदारों को मफलूज किया हुआ है, सारे हमारे इदारे आप उठा के देख लें, एक एक अदारा देख लें इन्होंने सारे तबाह किए, वो हिजाजी बिठा दिया SECP पे, वो नेशनल बैंक पे बिठा दिया मनी लॉन्डरर सईद अहमद, इसहाक डार सबसे बड़ा मनी लॉन्डर को बनाया हुआ था फाइनेंस मिनिस्टर, वो भागा हुआ है आज कानून से, आप एक एक इदारा देख लें, नैब का वो कमर जमान, वो खुद उसके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, इन्होंने सारे इदारे तबाह किए हुए हैं और आज तक इसलिए बचते रहे हैं। इससे पहले अदलिया के ऊपर टेलीफोन करते थे और जज से फैसले ले लेते थे, और फौज की तो गोद में पले हुए हैं ये, जनरल जलानी और जनरल ज़िया का ही शुक्रिया अदा करें, आज जो बड़े डेमोक्रेट बन गए हैं सिर्फ इनको सुप्रीम कोर्ट से और फौज से एक गिला है कि हमेशा की तरह ये इन्होंने इनके लिए अंपायरिंग क्यों नहीं की, इनको न्यूट्रल अंपायर तो कभी रख के मैच खेला ही नहीं है, हमेशा अंपायर मिला के मैच खेलते हैं, इनको ये है कि इनके साथ मिले क्यों नहीं इस बारी। सुप्रीम कोर्ट पहले मिठाइयां बांटी जब वो जब JIT बनी, वो मिठाइयां क्यों बांटी है कभी पूछा तो सही, मिठाइयां बांटी, वो फवाद चौधरी कहते हैं कि वो अंग्रेजी में थी इसलिए उनको समझ नहीं आई, वो वजह नहीं है, मिठाइयां इसलिए बांटी इन्होंने कहा कि अब मैनेज हो जाएंगे, इनकी कीमत लग जाएगी, कीमत क्यों ये फौज के ऊपर बरसे हैं, फौज के ऊपर इसलिए बरसे हैं कि जो MI का इनका ख्याल है कि MI का ब्रिगेडियर और ISI का ब्रिगेडियर वो उसको वो मैनेज नहीं कर सके, ये नहीं है कि इन्होंने गलत काम किया सुप्रीम कोर्ट ने फौज ने, इन्होंने ठीक काम क्यों कर दिया, और जब बाकी भी मैनेज नहीं हुए, जब मैनेज नहीं हुए ये तब से शोर मचाया हुआ इन्होंने, इसलिए हम आज आखिर में मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये जिधर आज पाकिस्तान खड़ा है इस मुल्क की ज़रूरत है, अर्ली इलेक्शंस पाकिस्तान की ज़रूरत है, तहरीक इंसाफ की नहीं है, 4 महीने के बाद इलेक्शन हो जाएगी हमें क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये पाकिस्तान को उधर लेके जा रहे हैं जिधर जितने क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं इस मुल्क में, और जिस तरह इन्होंने हैंडल किया ये सारा फैज़ाबाद चौक का,
میرے خیال میں اس وقت ملک کی ضرورت ہے علی الیکشن. جی 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 ایک 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 دیکھیے جی ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے فوج کا, بلکہ قوم کو کرنا چاہیے. میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں, اتنا مجھے خوف تھا اس دن رات کو جس دن یہ سارا کچھ انتشار پھیل رہا تھا سارے پاکستان میں. ہمیں خوف اس لیے تھا, ہمارے اپنے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ہم جوائن کرنا چاہتے ہیں اس میں, کیونکہ وہ پولیٹکس سے ہٹ چکی تھی بات. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی چیز آتی ہے اور آخری نبوت پہ آتی ہے, اس کا ایک تاریخ ہے. اس کے اوپر اتنا بڑا ریئیکشن آ رہا تھا, میں آپ کو یقین, ساری قوم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اگلے دن وہ سارا کچھ ختم ہو گیا, کیونکہ وہ ایسا پھیل رہا تھا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے بعد ہونا کیا تھا. انہوں نے تو چھپ جانا تھا جا کے, قوم کو نقصان ہونا تھا. خان صاحب, جو حلف نامہ ختم کیا گیا اور دوبارہ ریوائیو کیا گیا, اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی تھے جو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تمام پارلیمنٹ نے مل کے یہ پہلے غلطی کی اور